यूपीएससी को देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। काफी युवा इस परीक्षा के जरिए अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स तो मेहनत से अपनी तैयारी करते हैं और फिर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ परीक्षा भी देते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी तो कर लेते हैं पर इस चीज को लेकर सोच में रहते हैं कि क्या यूपीएससी में हैंडराइटिंग बैकग्राउंड जैसी चीजें मैटर करती हैं, कहीं ये सारी चीजें उनके रिजल्ट पर तो कोई असर नहीं डालेंगी। आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको हमारी आज की वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद करा सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अक्सर कई एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी तो कर ली लेकिन हमारी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है और ना ही हमारा बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, तो क्या हम यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे या वो हमें इन चीज़ों के चलते रिजेक्ट कर देंगे। तो उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि यूपीएससी हमेशा कंटेंट को देखती है ना कि आपकी हैंडराइटिंग को। आपकी हैंडराइटिंग की सुंदरता सिलेक्शन का कारण नहीं होती, बस वो पढ़ने लायक होनी चाहिए। हैंडराइटिंग को थोड़ा सुधारने के लिए आप वर्ड्स के बीच में गैप रखकर लिख सकते हैं। सही पेन का चयन करके भी आप ये काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यूपीएससी के दौरान बैकग्राउंड मैटर करता है या नहीं। हमेशा ये कहा जाता है कि यूपीएससी में सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ पर कैसे बात करनी है, साथ ही वे ग्रूम भी होते हैं। लेकिन हकीकत की बात करें तो ये सभी मिथ है, क्योंकि हर साल यूपीएससी में ऐसे कई एस्पिरेंट्स होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और ज़्यादा अच्छी जगह से भी नहीं पढ़े होते, मगर वो अच्छी रैंक लाते हैं और आईएएस आईपीएस बनकर निकलते हैं। इसके अलावा यूपीएससी में आपकी आंसर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो लंबा आंसर लिखने के चक्कर में आंसर की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते और उनके आंसर में चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, जिस वजह से उनके आंसर की क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो आपको इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा कि आपकी आंसर की क्वालिटी अच्छी हो। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में सही पकड़ रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितना हार्डवर्क किया है इस बात पर भी आपका यूपीएससी का रिजल्ट मैटर करता है। काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को साइड का सब्जेक्ट समझकर छोड़ देते हैं और उसके लिए सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितने में वो पास हो सके, लेकिन उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चेकिंग के वक्त आपका हार्डवर्क आपकी कॉपी में दिखता है, जिसके बेस पर एग्जामिनर आपको जज करता है। आपको अपने बोलने के तरीके में सुधार लाना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो जवाब तो दे देते हैं पर उनके जवाब में परफेक्टनेस नहीं आती, वो जो कहना चाहते हैं वो उस चीज़ को स्पष्ट नहीं कह पाते। इसलिए इंटरव्यू से पहले आपको अपने बोलने के तरीके पर काम करना होता है, साथ ही अपनी पर्सनैलिटी में भी सुधार लाना होता है, क्योंकि आपके इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी, बोलने का तरीका सब कुछ देखा जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको ये तो बता दिया कि यूपीएससी की परीक्षा के वक्त क्या मैटर करता है और क्या नहीं। इससे आप समझ ही सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपको यूपीएससी की तैयारी के वक्त ध्यान में रखनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी मदद हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपका हमसे कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।